अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर फरकान बशीर और आप देख रहे हैं किसान न्यूज़ टीवी। इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। तो आज का बहुत एक नॉर्मल सा टॉपिक है जो आम देखने के लिए कोई इतनी बड़ी सिग्निफिकेंस नहीं रखता, कोई बड़ी लंबी चौड़ी उसमें टेक्निकल डिटेल नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलतफहमी का शिकार टॉपिक है। सादा सी बीमारी है जानवरों की कि जानवरों के जबड़े के नीचे, पेट के नीचे, आगे सीने वाला हिस्सा जिसे हम टेक्निकल कहते हैं ब्रिस्कट एरिया या जिमीदार कहते हैं कोली, उसमें या टांगों में सूजन आ जाती है। और इसके लिए हमारे आम जिमीदार कहते हैं जी इसको जहर बात हो गया है, इसको वाई बाती हो गई है, क्योंकि ये बड़े आसान टर्म्स हैं और बड़ी लंबी चौड़ी इनकी डेफिनेशन है। जो बीमारी समझ में ना आए उसको जहर बात बना ले, काम खत्म। तो इसका असल मकसद ये होता है वीडियो का कि आप बीमारी को समझें, जब आप समझ जाएंगे तो आप इलाज करने में कामयाब हो जाएंगे। ये जो पानी इकट्ठा हो जाना है टांगों में, जिस्म के निचले निचले हिस्सों में, इससे एक बात याद करें कि ये सिर्फ नीचे वाले हिस्सों में क्यों इकट्ठा हो रहा है? अगर जहर बात है तो ऊपर भी तो जाना चाहिए, क्यों नहीं जाता? वो इसलिए नहीं जाता कि ये जानवर होते हैं जिगर की कमजोरी का शिकार। जब जिगर कमजोर होता है तो वो प्रोटीन नहीं बनाता, प्रोटीन नहीं बनाता तो उससे खून पतला हो गया। हम इसे अपनी जुबान में कहते हैं हाइपोप्रोटोनीमिया। प्रोटीन कम हो गई है, सादा लफ्जों में समझ लें कि जिगर कम काम कर रहा है, प्रोटीन कम बना रहा है, प्रोटीन कम बनने से खून हो गया पतला। जब खून पतला हो गया है इसका मतलब है उसके अंदर पानी ज्यादा है और बाकी चीजें कम हैं। जब वो पतला हो गया तो वो खून की जो नालियां हैं उनकी दीवारों से रिस रिस कर लीक होकर बाहर निकलता है। जब बाहर निकल आया तो उसने कहाँ जाना है? उसने नीचे वाली जगह पे जाना है। हमारे पंजाबी में कहते हैं पानी हमेशा डूंगी जगह से जाना है। वो उसने नीचे इकट्ठा होना है जहां पे उसकी आग मिल गई, उसको टांगे, उसको मिल गया सीने वाला हिस्सा, उसको मिल गया नीचे जबड़े के नीचे वाला हिस्सा। ये सादा इसकी डेफिनेशन है। अब आपको समझ आ गई कि जिगर कमजोर है और जिगर का इलाज करना है। अगली बात कि जिगर कमजोर क्यों हो रहा है। छोटे जानवरों में, खास तौर पे भेड़ों और बकरियों में, इसके ऊपर थोड़ी सी लैदा वजह है। बड़े जानवरों में थोड़ी सी लैदा वजह है। बड़े जानवरों में आम तौर पे जिगर के कीड़े इसका सबब बनते हैं। वो डायरेक्ट जाते हैं जिगर पे और जिगर को खाते हैं, जिगर की एफिशिएंसी कम हो गई और जहर बात तैयार। या जानवर को आप मुसलसल कोई ऐसी चीज डाल रहे हैं जिसमें जहरीले मवाद हैं, उसमें उल्ली वाले रोटी टुकड़े, उल्ली वाले खल, गंदी प्राली, कोई भी ऐसी चीज जिसपे ज्यादा फंगस लगी हुई है, उल्ली लगी हुई है, जिसे हम कहते हैं माइकोटॉक्सन, उल्ली का जहर, वो जाता है और सारे जहरीले मादे जिस्म में जिगर में प्रोसेस करने हैं। उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हमने उसको गंद खिला लिया है और वो जिगर अपने काम को छोड़ गया है और जहर बात तैयार हो गया। ये दूसरी बात हो गई। अब आ जाए छोटे जानवरों पर, भेड़ों और बकरियों में। इनमें बड़ा यूनिक केस होता है कि इनमें जिगर के कीड़े होते हैं, इनमें जुल्ली वाला जहर जिगर को तंग करता है, लेकिन तीसरी चीज जो बड़े जानवरों में बहुत कम होती है, इनमें एक पतोजड़ी का कीड़ा होता है। जो ओजड़ी चार हिस्से होते हैं, बड़ी ओजड़ी, छोटी ओजड़ी, पतोजड़ी और चार हिस्से टोटल, तो उसमें एक खास कीड़ा रहता है जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं हिमानकस कंटॉर्टस, और अंग्रेजी में इसका एक और नाम भी है बार्बर पोलवर्म। तो जब आप पतोजड़ी खोलेंगे तभी देखें उसमें आपको ऐसे ना सुइयां सुइयां सी महसूस होंगी, छोटी छोटी सुरख सुरख काले काले रंग की। वो कीड़ा हिमानकस खास तौर पे अटैक करता है भेड़ों और बकरियों को, और तकरीबन अगर बड़ा कोई शानदार किस्म का कीड़ा है तो वो आधा ml खून रोजाना पी सकता है। और 500 से 1000 कीड़े एक बकरी के अंदर होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो जाते हैं। अगर 500 कीड़े उसके अंदर हैं, उनमें से वो आधा ना भी करे, चौथा हिस्सा एक सीसी का खून रोजाना पिए,
तो 150 ml खून उसका निकल गया रोजाना, इतना खून बनता नहीं है। अब उस खून को पूरा करने के लिए जिगर एक्स्ट्रा जोर लगा रहा है, कच्चा खून फेंक रहा है, पतला खून फेंक रहा है, टेक्निकल डिटेल नहीं बता रहा, वो मकसद नहीं है, बस ये समझ लें कि उसकी वजह से ये मामला बन गया, पतला खून आ गया, फिर जहरबाद चला गया। अब ये बातें हमने सारी तय कर ली कि किस वजह से हो रहा है और इसके पीछे की कहानी क्या है। तो मेरे भाई अब एस्टेब्लिश हो गया कि जिगर कमजोर है तो उसने एक दिन में ठीक नहीं हो जाना, खून कम है वो एक दिन में नहीं बन जाना। तो इसमें जिम्मेदारों के समझने वाला काम है कि इस बीमारी ने टाइम लेना है 15-20-25 दिन, एक महीना। और हम डॉक्टरों का काम ये है कि जिम्मेदार को इसी तरीके से डिटेल के साथ बात समझाएं ताकि उसे पता हो कि मैं इलाज करवा रहा हूं, इसको टाइम लगना है। मेरा ये कहना नहीं बनता कि मैं चाचा 2 टीके लाए थोड़े ठीक हो जानी है, चाचा 2 टीके लगवाएगा, 2 दिन इंतजार करेगा, फिर अगले डॉक्टर के पास, फिर अगले डॉक्टर के पास, और जितनी दवाइयां लगनी है जिसम में वो भी जाके जिगर में प्रोसेस होनी है, जिगर ने उनको जिसम से निकालना है, मरे को मारे शाह मदार, एक पहले जिगर कमजोर है, ऊपर से हम और टीके लगा रहे हैं बिना सोचे कि उसको कंसला क्या चल रहा है। तो जब आपने ये समझ लिया तो आपका 30% काम बीमारी को समझने में था, 30% काम उसके टाइम फ्रेम को समझने में था कि कितना टाइम लगेगा, उससे अगला प्रोसेस सिंपल है। खुराक पे नजर डालें, अच्छी खुराक डालें, उल्टी वाली ना हो, 4 दिन जरा अच्छी खुराक डाल लें, थोड़ा खर्चा कर लें, मुतलका डॉक्टर को दिखाएं। ये वो चीज है जिसमें आपको डॉक्टर की रहनुमाई की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। ऑनलाइन में आपको जितना भी बता दूं, मैंने आपका जानवर नहीं देखा, किसी ने भी आपका फोन पे जानवर नहीं देखा, ताकि आपको पता चले कि क्या उसको जिगर के कीड़ों का मसला चल रहा है। आप उसका गोबर टेस्ट करवाएं, ठीक है जी, उससे आपको पता चल जाएगा कीड़े हैं, दवाई कौन सी देनी है। अब कीड़ों की दवाई की बात चली है तो हम एक ही दवाई लगातार साल हर साल देते रहते हैं, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे किसी टाइम फिर बात करेंगे। लेकिन जब कीड़ों वाली दवाई हम बार बार एक ही पिलाते जाते हैं तो कीड़ों के ऊपर उनका असर कम हो जाता है। कीड़ों वाली दवाई हर बार बदल के पिलानी है, अपने डॉक्टर के साथ मशवरे से पिलानी है। एक टाइम उसका असर निकल गया, खुराक ठीक कर ली, जिगर के कीड़े मार दिए, पीछे रह गया अब जिगर को ताकत देनी है। मार्केट में ढेरों किस्म के जिगर के टीके मौजूद हैं ताकत वाले, मार्केट में ढेरों किस्म के शरबत मौजूद हैं जिगर की ताकत वाले, वो शुरू करें खुराक और बेहतर करने के लिए कि खुराक में से चीजें जल्दी जल्द हों, यीस्ट उसको इस्तेमाल करवाएं, खुराक के जहरीले असरात खत्म करने के लिए टॉक्सिन बाइंडर इस्तेमाल करवाएं। ये वो सारी चीजें हैं खुराक वाली, आप किसी भी कंपनी के लेके इस्तेमाल करेंगे इनमें कोई लंबा जुड़ा फर्क आपको नहीं मिलेगा। कैल्शियम पाउडर, मिनरल मिक्सचर, DCP ये इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि जब खून बनना है तो उसको इन चीजों की जरूरत होनी है, उसको आयरन की जरूरत है, उसको फास्फोरस की जरूरत है, उसको कैल्शियम की जरूरत है, मिनरल मिक्सचर यूज करवाएं। आस्ता आस्ता चलता जाएगा, जानवर आपका 20-25 दिन में ठीक हो जाएगा, बजाय आज के कि आप उसको देसी टूने करने शुरू करें। देसी चूने करेंगे उसका मैदा और खराब हो जाएगा, और मैदा क्यों खराब होगा इसके ऊपर फिर इंशाल्लाह आपको एक पूरी वीडियो में बना के बताऊंगा। आज के लिए टॉपिक यही है कि मुझे उम्मीद है कि जिसने वीडियो सुनी है उसको जहर बात के पूरे मैकेनिज्म का पता चल गया होगा कि कैसे होता है, क्यों होता है, कौन करता है, कैसे बचाना है, क्या इलाज करना है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।